कटनी के कुठला थाना अंतर्गत ग्राम टिकरवारा में एक बस को कैप्सूल ट्रक ने पीछे से जोरदार टक्कर मार दी, जिससे बस में सवार कई यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। इस घटना में एक महिला की मौत हुई है। जानकारी के अनुसार रीवा जा रही बस को लापरवाही पूर्वक चला रहे कैप्सूल ट्रक चालक ने पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। बस में सवार 7-8 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें से एक 2 वर्षीय मासूम को गंभीर चोटें आई हैं। वहीं इस टक्कर में एक महिला की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना की जानकारी लगते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों के इलाज के लिए जिला अस्पताल चिकित्सालय पहुंचाया, जहां पर सभी का उपचार जारी है। पुलिस हादसे के वास्तविक कारणों का पता लगा रही है। वहीं कैप्सूल चालक हादसे के बाद मौके से फरार है। ये घटना है टिकरवारा मोड़ के पास की है। एक बस और एक टैंकर है, रिलायंस कंपनी का टैंकर है, जिसमें टैंकर ने बस को पीछे से टक्कर मार दिया, जिसमें कि 5-6 लोग घायल हुए हैं और एक महिला की शायद मृत्यु हो चुकी है, जिसकी बॉडी को मर्चुरी रूम में रखवा दिया गया है और कुछ घायलों का इलाज चल रहा है। वो ये यात्री थे, वो इस बस में चढ़ रहे थे, उसी समय टैंकर ने पीछे से टक्कर मार दिया। वो रहने वाले टिकरवारा गाँव की, वहीं से बैठ के जा रहे। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।